नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में दोस्तों, आप जैसे आप देखिए, कहीं भी कोई भी राफ्ट यदि आपको दे दी जाए, ये राफ्ट जैसे यहाँ देख सकते हैं 200 की है, यहाँ भी 200 की है, यहाँ भी 200 की है। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपको और ज़्यादा मिलता है, सबसे पहले तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिविल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं वो सारी सिविल साइड से रिलेटेड आती हैं। और दूसरी बात कि प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों में जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिक्कत आती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि जब आप कैलकुलेट करते हैं चेयर को, चेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको भी बताया हुआ है कि शेप कैसा होता है। अब मैक्सिमम जगह गलती क्या होती है ना कि ये हाइट नहीं कैलकुलेट हो पाती है, और ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, ड्राइंग में भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती। अब थोड़ा सा यदि गड़बड़ हुआ, मान लीजिए यदि 15 mm का भी यदि गड़बड़ हुआ, तो जो राफ्ट की थिकनेस है मान लीजिए यदि 600 है और 15 mm का गड़बड़ हो गया, ऊँचा या नीचा, यदि ऊँचा हो गया तो क्या होगा, जो राफ्ट है वो 615 mm की कास्ट होगी, और 615 mm की कास्ट होगी तो जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है वो कंपनी का आप बर्बाद कर देंगे। यदि 15 mm नीचे हो गया, बाई चांस मान लीजिए 15 mm नीचे हो गया, तो होगा क्या कि जैसे आप लोग डिज़ाइन में पढ़ते थे ना कि एक बीम रहती थी, उसकी रेनफोर्समेंट दी रखी है, दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती थी, मान लेते हैं इसको 300 mm। यदि वो 300 से कम हो गई, मीन्स 285 mm हो गई, तब क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है ना, उस डिज़ाइन के लिए जो लोड तैयार किया गया था, मीन्स जो लोड होगा उसके लिए वो डिज़ाइन फेल हो जाएगी, मीन्स वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक्चुअल जो डेप्थ है, मीन्स जो इफ़ेक्टिव डेप्थ जिसे डी बोलते थे, वो आपकी यहाँ पर कम हो जाएगी और एज पर टेक्निकल फॉलो नहीं होगी। तो इसलिए चेयर की हाइट निकालनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, चेयर की हाइट निकालने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे इस राफ्ट में देखिए, टॉप और बॉटम की रेनफोर्समेंट 10 डाया थी, मीन्स आप सबसे पहले तो रेनफोर्समेंट का लेआउट तैयार कर लें इस तरह से, पहले राफ्ट था, फिर इसके ऊपर बाइंडर था, फिर टॉप में राफ्ट था, फिर इसके ऊपर बाइंडर था। ये देखिए, इसी तरह से ये जो डॉटेड हैं ये सारी ड्राइंग में दे रखी हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो चेयर आएगा वो ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में आएगा। अब जो बाइंडर आपने इस तरह से लिंक कर दिया, इस तरह से ऊपर का भी बाइंडर लिंक हो गया, राफ्ट का आपने टॉप भी डाल दिया, अब होगा क्या कि चेयर जो डलेगी वो एक एक लाइन यहाँ होगी, ऐसे उठेगी, फिर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और इस तरह से होगी। ये जो हाइट होगी यहाँ से लेके ये दोनों रेनफोर्समेंट के नीचे से लेके आएगा, मीन्स ऊपर का एक और दो, मीन्स टॉप, टॉप बॉटम और सबसे बॉटम मोस्ट, ये तीन रेनफोर्समेंट माइनस होगी। तीनों यहाँ पे कितने की है, 10 की है, मीन्स 10 × 3 mm जो भी होगी वो हाइट से इसके माइनस होगी। मीन्स हाइट जो कौन सी है, जैसे ये आपका ये चेयर हो गया, ये चेयर की जो हाइट है, इस हाइट से ये तीनों रेनफोर्समेंट 10 × 3 mm माइनस होगा। यदि आप कोई राफ्ट तैयार कर रहे हैं, मान लेते हैं इस तरह की राफ्ट है, इस बात को समझाने के लिए आपने रेनफोर्समेंट ऐसे बॉटम लेइंग कर दी, उसके बाद ऐसे लेइंग कर दिया, इसके बाद जब आप चेयर बैठाएंगे, आपको बताया था कि चेयर का लेग इस पे बंधेगा, यदि चेयर फिर यहाँ से ऊपर उठेगी, फिर लेफ्ट जाएगी, फिर नीचे से इस तरह का, मीन्स ये जो चेयर का प्लान देखेंगे वो इस तरह का शेप जनरेट होता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ इस राफ्ट के हिसाब से देखिए, हाइट थी राफ्ट की 200, कवर माइनस किया आपने 50-50 दोनों तरफ से, तो कितनी आ गई डिस्टेंस, 100 mm आ गई। अब 100 mm में क्या करना है कि आपको नीचे देखिए, बॉटम की रेनफोर्समेंट क्या था, पहले तो आप चेयर हाइट लिख लीजिए, कितनी डाया देनी है, ये आपको बताया था मैंने कि यदि 10 डाया है तो आपको 12 कंसीडर करना है, यदि 12 डाया दे रखा है तो 16 डाया कंसीडर करना है। अब यहाँ चेयर हाइट देखिए कैसे कैलकुलेट होगी, आपने इस तरह से निकाल लिया, ये एल मैंने बताया था 300 आप रख सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको भी 800 मैंने बताया था। अब रही बात की ये हाइट, हाइट देखिए कितनी आएगी, 100 mm आपने कवर माइनस किया, कवर करने के बाद नीचे का सबसे बॉटम मोस्ट रेनफोर्समेंट 10 आया था, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन 10 आया था, और सबसे टॉप में जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 10 करेंगे, मीन्स ये जो हाइट आएगी वो 70 mm की आएगी, मीन्स जो आपका चेयर तैयार होगा वो ऐसा होगा, 70 ये हाइट हो गई, 70 ये हाइट हो गई, 800 ये हो गया, 300 ये हो गया। अब कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, इन सब को जोड़ दीजिए, मीन्स 600 + 140 + 800, इसमें से कितना माइनस होगा,
अब देखिए हर एक बैंड के लिए तो 2D माइनस करते हैं, मीन्स 2 × डाया। अब कितने बैंड हो गए, 1, 2, 3, 4, मीन्स 4। तो इस ये जो लेंथ आएगी 1460 mm आएगी, मीन्स आपको जो रेनफोर्समेंट कटिंग करनी होगी वो 1460 mm की रेनफोर्समेंट आपको कटिंग करनी होगी, जिससे आप इस शेप का चेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो आएगा वो डोवेल बार या फिर आप जो लैप लेंथ कंसीडर करते हैं वो कैसे कंसीडर की जाती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।